ओके स्टूडेंट्स, पहले वाले वीडियो में हमने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में इन आर्टिकल्स का ओमिशन मीन्स विलोप कहाँ कहाँ हो जाता है, मतलब हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल किन किन अवस्थाओं में नहीं करते, उसके बारे में हमने इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स और रूल्स पेश किए हैं। तो इसमें नंबर वन में आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं हमारे उनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इक्वल टू अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन दे आर यूज इन जनरल सेंस, जब उनका इस्तेमाल जनरल सेंस में किया जाता है, जैसे कि ब्लैंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां ब्लैंक दिया हुआ है, ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो हमने यहां नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। सेकेंड एग्जाम्पल में विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, अब ये जो विजडम है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो उससे पहले नो आर्टिकल। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेक द व्हेन दे आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जहां हमने बताया कि इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी पर्टिकुलर सेंस विशेष रूप से इनका यूज किया गया हो तब वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, वहां तो वो जनरल सेंस थी, यहां तो ये जनरल सेंस है, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, अब यहां ये पर्टिकुलर सेंस में विजडम दी हुई है, द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, तो यहां आर्टिकल विजडम के साथ में द लगेगा। नंबर सेकंड में बिफोर मैन एंड वुमेन व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस, मैन और वुमेन जब जनरल सेंस में इनका इस्तेमाल होता है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि ये ब्लैंक दिया है, मैन इज मर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो जनरल सेंस हो गई, नो आर्टिकल। सेकेंड एग्जाम्पल में वुमेन इज कंसिडर्ड वीकर देन मैन, मनुष्य से कमजोर समझा जाता है औरत को, तो जनरल सेंस में वुमेन का इस्तेमाल किया गया है तो हम यहां नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर थर्ड में बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जब जनरल सेंस में आम सेंस में इस्तेमाल होता है, कॉमन सेंस में इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल नंबर वन में जैसे ये ब्लैंक चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तो जनरल सेंस में यहाँ चिल्ड्रन का इस्तेमाल किया गया है तो द का हम इस्तेमाल बिल्कुल यहां नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम कर देते हैं जैसे कि द चिल्ड्रन लाइक, तो मीन्स विशेष बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, बाकी के बच्चे चॉकलेट पसंद नहीं करते, तो सेंस खराब हो जाती है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में ब्लैंक कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिस, बहुत से ऑफिस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, तो जनरल सेंस में हम जनरल सेंस में ये कंप्यूटर जैसे आया है तो यहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। नोट, अब इसमें जो ये काउंटेबल नाउन्स हैं, जो ऊपर हमने यहां पर बताया था काउंटेबल नाउन्स जहां ये आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होता, इनमें किस अवस्था में दा का इस्तेमाल होता है, दीज काउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन दे आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, जब ये विशेष रूप से इनका इस्तेमाल होता है तब हम वहां दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, दैट मीन्स
अवर बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे हैं तो विशेष बच्चे हो गए। तो वेयर आर द चिल्ड्रन, अब उस अवस्था में हम यह आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर फोर में बिफोर नेम्स ऑफ मील्स इन जनरल सेंस, भोजन का कोई नाम आता है जनरल सेंस में तो उसके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कि ब्लैंक, डिनर इज रेडी, डिनर तैयार है, कॉमन सेंस में, जनरल सेंस में तो आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, किस वक्त आप लंच लेते हैं, तो ये ब्लैंक हो गया यहां, तो यहां भी नो आर्टिकल। लेकिन बट द इज यूज्ड व्हेन ए स्पेसिफिक मील इज मेंशन्ड, जब कोई विशेष मील के बारे में बात कही गई है, विशेष लंच के बारे में बात करी गई है, विशेष ब्रेकफास्ट के बारे में बात की जाती है, तो उसके साथ में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इस एग्जाम्पल में यहां जो एग्जाम्पल दिया है, द लंच गिवन बाय हिम, उसके द्वारा दिया गया लंच वाज फाइन, बहुत अच्छा था। तो अब ये जो लंच है ये हो गया विशेष लंच, तो विशेषता के विशेष के साथ में हम द का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ में हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। यहां मान लो जैसे ब्लैंक है तो नो आर्टिकल। दे स्पीक पंजाबी एट होम, घर पर वो पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी भाषा हो गई। इससे पहले ये ब्लैंक हो गया, तो ब्लैंक में हम भर देंगे नो आर्टिकल। यदि हम यहां द लगा देते हैं तो द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब हो गया द ब्रिटिशर्स, वो लोग जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तो भाषा नहीं रही वहां, पंजाबी, द पंजाबी मीन्स पंजाबी लोग, पंजाब के लोग जो पंजाबी भाषा बोलते हैं। द लगते ही इसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये हो गई लैंग्वेज, लैंग्वेज अपने साथ में कोई आर्टिकल नहीं लेगी। यूज नंबर सिक्स में आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कोई भी नाम। शेक्सपियर वाज ए जीनियस, शेक्सपियर जीनियस था, तो मान लो कि यहां ब्लैंक है, आगे हो गया शेक्सपियर, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, तो यहां नो आर्टिकल। मुंबई इज ए मेट्रोपोलिटन सिटी, मुंबई एक महानगर है, तो मुंबई से पहले मान लो यहां ब्लैंक है, तो ब्लैंक से पहले आ जाएगा नो आर्टिकल। यूज नंबर सेवन में नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स, मटेरियल्स एंड गेम्स व्हेन दे यूज्ड, व्हेन दे यूज्ड इन जनरल सेंस। कोई भी मेटल है, कोई भी मटेरियल है, या कोई गेम का नाम है, जब जनरल सेंस में उनका इस्तेमाल होता है तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर एक में जैसे ब्लैंक, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड एक कॉस्टली मेटल है, तो गोल्ड ये जनरल सेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो नो आर्टिकल। मोनू प्लेज क्रिकेट, मोनू क्रिकेट खेलता है, ये यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ नो आर्टिकल, मोनू प्लेज क्रिकेट। लेकिन बट व्हेन दे आर यूज्ड स्पेसिफिकली द इज यूज्ड बिफोर देम, जब इनका प्रयोग विशेष रूप से होता है, किसी भी मेटल का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी गेम का विशेष रूप से यदि इनका प्रयोग होता है, तो ये अपने साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल लेंगे। एग्जाम्पल में द गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, कोलार माइंस में पाया जाने वाला गोल्ड सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो अब ये हो गया, ये गोल्ड हो गया, विशेष गोल्ड हो गया, विशेषता के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। नंबर एट, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड, जब इन स्थानों पर जाया जाता है और यूज्ड या इनका प्रयोग किया जाता है,
फॉर देयर प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी पर्पज के लिए, जिन चीजों के लिए बनी हुई है, कॉलेज है पढ़ने के लिए, स्कूल है पढ़ने के लिए, चर्च है जाने के लिए, बेड सोने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए, जो प्राइमरी पर्पज है, यदि प्राइमरी पर्पज के लिए इनका इस्तेमाल होता है तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। आई, जैसे एग्जांपल में, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, तो नो आर्टिकल। माय अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल अभी भी हॉस्पिटल में है, खालिस्तान मान लो यहां है, तो नो आर्टिकल आ जाएगा यहां। आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है विद दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ में, जो ऊपर मेंशन हमने यहां किए थे, इन वर्ड्स के साथ इनका इस्तेमाल होता है। व्हेन वी रेफर टू देम एज ए डेफिनेट प्लेस, जब डेफिनेट प्लेस के रूप में, डेफिनेट बिल्डिंग के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं बजाय नॉर्मल एक्टिविटी के, तो इनके साथ में द का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में, जैसे आई मेट हिम एट द चर्च, मैं उसे मिला चर्च में, मीन्स ये एक विशेष जगह के बारे में बात कर रहा है, तो द का इस्तेमाल यहां होगा। ब्लैंक, जैसे ब्लैंक, बेड इज ब्रोकन, भाई बेड टूट गया, द बेड इज ब्रोकन, जो मेरा जो बेड था वो टूट गया। अब ये हो गया विशेष। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया टू सी माई अंकल, अपने अंकल से मिलने के लिए, जहां मेरे अंकल जी एडमिट थे, तो उसी के हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में तो हो जाएगा, तो ये हो गया विशेष हॉस्पिटल, तो यहां आर्टिकल द लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एटसेट्रा, रिलेशन से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ब्लैंक, फादर हैज रिटर्न, पिताजी वापिस आ गए हैं, तो नो आर्टिकल। जैसे ब्लैंक, आंट वांट्स यू टू सी हर, आंटी तुमसे मिलना चाहती है, तो नो आर्टिकल। यूज नंबर 10, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। जब प्रीपोजिशन दी हुई हो तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बतौर जैसे एग्जांपल, जैसे वर्ड्स इसमें दिए हैं, जैसे कि एट, प्रीपोजिशन एट होम, इन हैंड, इन डेप्ट, बाय डे, बाय नाइट, ऑन डिमांड, एट नाइट, बाय लैंड, बाय वाटर, बाय एयर एटसेट्रा। इस अवस्था में यदि दिया हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो दिया है, तो वहां आर्टिकल का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में, यू मस्ट फिनिश द वर्क इन हैंड। अब इन प्रीपोजिशन हो गई, मान लो यहां यदि ब्लैंक है, हैंड पीछे दिया हुआ है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। रामू स्टार्टेड हिज जर्नी एट डे ब्रेक, जब दिन निकला तो एट डे ब्रेक, एट प्रीपोजिशन हो गई, डे ब्रेक मान लो यहां यदि ब्लैंक है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आर्टिकल कहां कहां इस्तेमाल नहीं होता। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।